हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लौकी का नाम सुनते ही सब नाक मुँह चढ़ाने लगते हैं ना, लेकिन आज हम इसी लौकी से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जी बनाने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं धुंगार लौकी। ये इतनी टेस्टी है और वो भी कम मसालों के साथ में कि आप इसे एक बार खाएंगे बार बार बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शानदार रेसिपी को। रेसिपी को बनाने के लिए हमें कच्ची दूधी चाहिए। ध्यान रहे कि लौकी पकी हुई नहीं होनी चाहिए, दूधी कहें या लौकी कहें एक ही बात है। और इसे मैंने वजन में 500 ग्राम लिया है। पहले आप इसे कम से बना करके देखना, आपको पहली बात तो ये बहुत पसंद आने वाली है। और इसको इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में ना काटें। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं, यानी कि अपना इंडक्शन ऑन करते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर हमें सरसों का तेल लेना है। ये सरसों के तेल में ही बनेगी, आप कोई और तेल यूज़ ना करें। और जैसे ही हमारा तेल गरम हो, इसके अंदर जीरा डाल देना है। जीरा डाल करके एक बड़ी प्याज को बारीक काट करके इसके अंदर डाल देना है। इसको भूनना नहीं है, जैसे ही आप प्याज डालें तुरंत ही आप लौकी को डाल दें। और लौकी डालने के बाद में प्याज के साथ में इसे कड़छी की सहायता से बहुत अच्छे से 7 मिनट तक चलाएं। 7-8 मिनट तक आप इसको चलाना है। इस तरीके से जब आप इसे चलाएंगे तो लौकी भुनेगी, यानी लौकी को हमें भून लेना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि 1/2 किलो ही हमारा ये घिया है, ये दूधी है, तो इतना ही नमक इसके अंदर जाएगा। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे आप थोड़ी देर के लिए ढक दें, थोड़ी देर यानी कि 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा नरम हो जाए तब इसके अंदर हमें डालना है 1.5 चम्मच सिरका। 1.5 चम्मच सिरका डालने के बाद में आपको 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालनी है। और लाल मिर्च अगर आपकी तीखी है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितना डालना है। बस इस नमक और मिर्च के अलावा इसके अंदर कोई दूसरा मसाला जाएगा ही नहीं, और इसी से ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जब ये हमारी गलने लग जाए लौकी, तब इसके अंदर हमें डालना है 3 टेबलस्पून बेसन, यानी जो हम घर में रेगुलर चम्मच खाने में लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला चम्मच हमें यूज़ करना है। और उसी के नाप से हमें यहाँ पे 3 चम्मच बेसन डाल देना है। और बेसन डालने के बाद में अब फिर से इसको चलाइए, पकाइए अच्छे से, ताकि बेसन जो है वो पक जाए। ध्यान रहे कि बेसन पक जाना चाहिए, इसको आपको इतना पकाना है। तो यदि आपको लगता है कि थोड़ा बेसन कम रह गया तो थोड़ा बहुत आप और ऐड कर सकते हैं, बाकी इतनी लौकी में 3 बड़े चम्मच बेसन काफ़ी है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक दें। ढकने के बाद में जब आप देखेंगे कि हमारी जो लौकी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, ये देखिए हमारी कढ़ाई से भी नीचे छोड़ दिया है, यानी कि हमारी लौकी अब पक कर के तैयार है। अब यहाँ पे हमें देना है एक इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, और इसी से इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया वाला शानदार फ्लेवर आने वाला है, जिसकी जो महक है आपके दिमाग में ना रच बस जाएगी। एक कोयला लेना है और उसको धुंगार लगाना है इस तरीके से, थोड़ा 1/2 चम्मच से भी कम, 2-4 बूंद आप घी की डालेंगे और इस तरीके से धुआं उठ जाए, उसको ढक देंगे। और 5 मिनट के बाद में आप इसे देखेंगे पूरा जो धुआं है ना इसके अंदर रम जाएगा। लीजिए ये बन करके तैयार है। राजस्थान में इस रेसिपी को बहुत बनाया जाता है और बहुत शौक से खाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, है ना कम मसालों में और इतनी शानदार सी रेसिपी। तो समय हो चला है मित्रों आपसे विदा लेने का, मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।